गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। बेटा, हम लोग आज हिंदी लैंग्वेज में चैप्टर 3 मात्राएं, शब्द और वाक्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो मात्राएं, शब्द और वाक्य किसे कहते हैं हम आपको आज बताएंगे। स्वर और व्यंजन मिलकर शब्द बनाते हैं। जब स्वर पहले आए और व्यंजन बाद में जुड़े तो स्वर अपने मूल रूप में जुड़ते हैं। जैसे स्वर और व्यंजन मिलकर क्या बनते हैं, स्वर और व्यंजन मिलकर शब्द बनाते हैं। लेकिन जब स्वर पहले आए और व्यंजन बाद में जुड़े तो स्वर जो होता है बेटा, वो अपने मूल रूप में जुड़ते हैं। जैसे ए प्लस न प्लस का आपका क्या हो गया, ऐनक। अ प्लस ब, अब इसमें जो है स्वर पहले आया है और व्यंजन बाद में अपने व्यंजन बाद में जुड़ा है, तो स्वर जो होता है वो अपने मूल रूप में जुड़ते हैं। ठीक है, अगर अरहित व्यंजन पहले आए और स्वर उसके बाद जुड़े तो स्वर एक निश्चित चिन्ह के रूप में जुड़ते हैं। जो आ है, आ की कोई, आ का कोई वो नहीं होता, मात्रा नहीं होती है। अगर आ रहित व्यंजन पहले आए और स्वर उसके बाद जुड़े तो एक निश्चित चिन्ह के रूप में जुड़ते हैं। जैसे क प्लस आ आपका क्या हो गया, का। ला प्लस ए यहाँ पे ले, तो यहाँ पे आ और ए का क्या है, यहाँ पे आ का चिन्ह है और ए का चिन्ह है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आ का चिन्ह है और यहाँ पे ए का चिन्ह है। ठीक है, स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। स्वरों के जो निश्चित चिन्ह हैं, जैसे कि आप ही मात्राएं यहाँ पे देख रहे हैं दोनों, ये स्वरों के निश्चित चिन्हों को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। ठीक है, आ सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा रहता है। जो स्वर अ है वो सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा रहता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। जो अ है वो सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा रहता है, उसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। ओके, व्यंजनों और स्वरों की मात्राओं का मेल यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं, आपकी बुक में बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है, व्यंजनों और स्वरों की मात्राओं का मेल। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये आपके यहाँ पे स्वर लिखे हैं, आपके स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। ये स्वरों की मात्राएं लिखी हैं और ये व्यंजन मात्रा के साथ हैं और उनसे बने हुए ये आपके शब्द हैं। हमने यह बेटा आपको इसके पहले भी इसके बारे में आपको बताया था, है ना। अब आप यहाँ देखिए, जो छोटा आ है उसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है और सारे स्वरों की मात्राएं होती हैं। जैसे आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, सारे स्वरों की मात्राएं होती हैं और फिर व्यंजन मात्रा के साथ जुड़ के शब्द बनते हैं। ठीक है, आ, बड़ी ई, ओ और अ की मात्राएं व्यंजन के पीछे लगती है। जो आ, बड़ी ई और अ की मात्राएं जो हैं वो कहाँ लगती हैं, वो व्यंजन के पीछे लगती हैं। छोटी ई की मात्रा व्यंजन के आगे लगती है। जैसे कि अब आप यहाँ पे देखिए, आ की मात्रा व्यंजन के पीछे लगी है तो आपका शब्द क्या बन गया है बेटा, ताला। छोटी ई की मात्रा, अरे सॉरी, बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के पीछे लगती है तो ये आपका क्या बन गया, तीर बन गया, है ना। तो आ, बड़ी ई और ओ और औ की मात्राएं हमेशा व्यंजन के पीछे लगती हैं, छोटी ई की मात्रा व्यंजन के आगे लगती है। ओके, उसी प्रकार छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं। जो छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि की मात्राएं जो होती हैं वो व्यंजन के कहाँ लगती हैं, व्यंजन के नीचे लगती हैं। ए और ए की मात्राएं जो हैं वो व्यंजन के
ऊपर लगती हैं। ए और आई की मात्राएं कहाँ लगती हैं? व्यंजन के ऊपर लगती हैं। ओके, रा में छोटा उ और बड़ा ओ की मात्रा। रा में छोटा उ और बड़ा ओ की मात्राएं कहाँ लगती हैं? रा में छोटा उ और बड़ा ओ की मात्राएं रा के नीचे ना लगकर इसके बीच में लगती हैं। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ देख रहे हैं आप, रा में अगर छोटा उ की मात्रा लगाना है और हमें कोई शब्द लिखना है तो हम कैसे लगाते हैं? जैसे आपकी बुक में देखिए दिया है एग्जांपल, रुक रुई रुपया। तो ये आपका छोटा उ की मात्रा है, रा में कहाँ लगी है? बीच में लगी है। ठीक है, उसी प्रकार आपका रा में बड़ा उ की मात्राएं भी बीच में लगी हैं, जैसे रू रुमाल रूठना। ठीक है, तो ये आपका बेटा र में छोटा और बड़ा उ की मात्राएं हमेशा बीच में लगती हैं। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, हमने आपको अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के बारे में पहले बताया भी था, है ना, जब मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया था, तो हम दोबारा आपको करके समझा रहे हैं ना। तो अनुस्वार आप सबको पता है, अनुस्वार बिंदु रूप में व्यंजनों से जुड़ता है ना। अनुस्वार जो है जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो वो बिंदु के रूप में व्यंजनों से जुड़ता है, जैसे दंत, हंस, पतंग, अंग आदि। ओके, उसी प्रकार अनुनासिक, अनुनासिक जो है यह चंद्र बिंदु के रूप में व्यंजनों के साथ जुड़ता है, ये व्यंजनों के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है। अनुनासिक स्वरों का गुण है और सदैव स्वरों के साथ ही आता है। जो अनुनासिक है वो स्वरों का गुण है और सदैव स्वरों के साथ ही आता है, जैसे दांत, हंसना आदि। ओके, विसर्ग जो है बेटा वो कभी भी अकेले नहीं लिखा जाता, विसर्ग जो है वो अकेले कभी नहीं लिखा जाता, इसका प्रयोग हमेशा स्वरों के साथ विसर्ग के रूप में होता है, जैसे अतः, प्रातः। इसमें हमेशा देखिए आप दो बिंदी देख रहे हैं ना, कि दो बिंदी लगी रहती है, अनुस्वार में एक बिंदी ऊपर लगती है, अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगता और विसर्ग में दो बिंदु लगे होते हैं। ठीक है, तो बेटा ये हमने आपको चैप्टर अभी आपका पार्ट वन एक्सप्लेन किया है, कल हम इसका पार्ट टू एक्सप्लेन करेंगे। आपको इस चैप्टर को जितना मैंने भी आपको पढ़ाया है कि कौन सी मात्राएं व्यंजन के किधर कहाँ लगती हैं, ऊपर लगती हैं, र में मात्राएं कहाँ लगता है, ये सब आपको चैप्टर को बेटा पढ़ के अच्छे से समझना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।